हेलो गाइस, आज किस वीडियो में बात करेंगे कि राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, वही नया वाला। क्योंकि अब जो पुरानी वेबसाइट है उससे राशन कार्ड डाउनलोड नहीं होता, सिर्फ राशन कार्ड का नंबर दिखाता है, और वही राशन कार्ड का नंबर पूरा नहीं दिखाता। तो ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, चैनल को ना सब्सक्राइब। तो यहाँ सबसे पहले आपको सर्च करना है NFSA, आपको सर्च कर लेना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट वेबसाइट ऊपर ओपन हो जाएगी, देखिए ये वाली, इस वाले में आपको आ जाना है। और भाई वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। और उसके बाद देखिए, आपको नीचे थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर साइड में थ्री थ्री लाइनिंग आ रही है, इस वाले आपको क्लिक कर देना। मैं यहाँ पर मार्क लगा दिया, इस वाले आपको क्लिक करना है, फिर से ऐसे ऊपर आ जाएगा, उस वाले आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे देखिए यहाँ पर डाउन करते जाना है आपको। डाउन करने के बाद यहाँ पर आ रहा है सिटीजन कॉर्नर, आपको इस वाले पर आपको क्लिक कर देना है एक बार। और क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ नो योर राशन कार्ड स्टेटस, आपको उस वाले पे क्लिक कर देना है। ये मैंने मार्क लगा दिया, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे राशन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा आपका, जी इस पर आप कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। और नीचे आपको राशन कार्ड नंबर डाल देना है यहाँ पे, और नीचे कैप्चा डाल के आपको गेट RC डिटेल आ रहा है ज़रा, इस वाले आपको क्लिक कर देना। तो मैं सब कुछ फिल कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए, मैंने राशन कार्ड नंबर डाल दिया है, और ऊपर यहाँ पर राशन कार्ड नंबर सेलेक्ट करने का आता है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है। और दूसरे में राशन कार्ड नंबर डाल के, और नीचे कैप्चा डाल देना है ये वाला, यहाँ गेट RC डिटेल्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा लोड निकलेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे राशन कार्ड डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर बेशक इनवैलिड कैप्चा दिखा रहा है, तो देखिए आपका राशन कार्ड की पूरी डिटेल आ जाएंगी, कितने मेम्बर हैं और उनका स्टेटस क्या है, सब कुछ दिखा देगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं ऐसे करके। वैसे प्रिंट करना चाहते हैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर से किसी प्रिंट करवाओगे तो Ctrl P करके प्रिंट करवा सकते हो। तो ऐसे आप करवा सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को ना सब्सक्राइब। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और कोई और डाउट हो तो कमेंट कर देना है। तो गुड बाय।